अल्लाह के शुक्र आप नो फिट फाट। सो यार ये आज ईद का चौथा दिन है, सब कौन सा दिन है, चौथा दिन नहीं आना था। हम लोगों का जो दिन होता है ना वो ईद का दरअसल चौथा ही होता है, पहले जो तीन दिन होते हैं ना, ये दो दिन ही कह लो, जो लोंडे होते हैं ना वो बकरे के साथ बकरा बने होते हैं ना रान साहब। वैसे तो यार आज सीन ये है कि आज चौथा दिन था ईद का और हमें एक हमारे बहुत प्यारे से मतलब बहुत प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने जो है ना हमें बारबेक्यू भी इन्वाइट किया, हम जलील होके जा रहे हैं ठीक है। तो पहले जो है ना प्लान ये बन रहा था कि क्या बना था सब बताएं तो, थोड़ा सा गोश्त नहीं इकट्ठा हो रहा था, फिर कभी अंगीठी नहीं हो रही थी, कभी हमारा गोश्त का सीन था, कभी गोश्त किसी के पास गया था जी गोश्त नहीं है, फिर गोश्त इकट्ठा हुआ, फिर मसाले का सीन था, फिर अंगीठी, अब जो है ना एट द लास्ट चौथा दिन और हमने फाइनलाइज कर लिया कि यार हम लोग जो है ना जा रहे हैं बारबेक्यू पे। तो अब हम लोग जा रहे हैं जी डस्का बारबेक्यू पे और एक बंदा जो है ना हमारा वो ये देख रहे ये उतरा हुआ है और वो ना ज़रा मतलब लाइक ना मतलब कुछ कर रहा है, मतलब आप समझो क्या कर रहा है, मैं नहीं कुछ बता सकता, वो उधर बस ना चीज़ें पानी पी रहा साथ कुछ कर रहा है, नज़र आ रहा है नहीं रहने दो यार। तो ना यार अब जाके जो है ना देखते हैं क्या सीन है, बारबेक्यू हम नहीं लगाया और देखते हैं कैसे कुछ फुल ना जो शेफ बनते हैं जाके। सो स्टे ट्यून्ड और जाके देखें कि हमारी कुकिंग स्किल्स कैसी हैं। वैसे साहब को आता है बनाने? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आता, अब्बा जी करते हैं। अच्छा जी चलो अब हम देखते हैं क्या अंजाम पहुंचता है, हम क्या न्यू रेसिपी क्या न्यू डिश बनाते हैं। तो ये जो बंदा है ना ये बहुत गैर कानूनी काम करके एंटर हो चुका है भाई, इधर तो कैमरे में क्यों नहीं आ रहे, कैमरे में तो आ जाए, गैर कानूनी काम कर लिया आपने? हाँ हो गया भाई। अच्छा जी नाम तो बता दो अपना लोगों को। इब्राहिम ठीक है। तो यार ये बंदा गैर कानूनी काम करके आ गया और अब हम जो है ना अच्छा सा शेफ वाला जो काम है ना शेफ स्किल्स दिखाने जा रहे हैं डस्का। तो अब इंशाल्लाह जाके ना डस्का मुलाकात होती है आपसे। तो फाइनली अब जो है ना आ गए हम बॉय के घर में, जहाँ हमने करना है बारबेक्यू सीन। और जो है ना बैठे हुए थे हम नीचे तो वेट कर रहे थे थोड़ा सा शाम हो जाए तो फिर जो है ना करें। तो सीन ये है कि जो बंदे हमारे जिन्होंने लेकर आनी थी चीज़ें अभी तक तो जो मतलब शहर के वो अभी तक नहीं पहुँचे डस्का के, हम लोग गुजरा वाला से उठ के डस्का आ गए और वो बंदे नहीं पहुँचे। और लेकिन जो बंदा जो है ना देखो कितनी मेहनत कर रहा है हमारा बच्चा फरहान, ध्यान से बच्चे इधर रखो शाबाश, कपड़ा छपड़ा मार लेना ध्यान से मारना ठीक है। तो यार ये ब्रो आई ओ माई गॉड वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए, अरे हर गुनाह के पीछे शैतान नहीं होता। यार फरहान और मेरे जो है ना बहुत ज्यादा सीन है मजेदार का। फरहान याद है यार हम लोगों ने एक मूवी जो है ना तीन बार देखी हुई है, वो तीनों बार जाके सिनेमा में देखी हुई है। फरहान कौन सी मूवी थी वो वाली? कौन सी थी यार वो? संजू हाँ संजू, ये सीन था हम लोगों ने तीन बार जाके सिनेमा में वो एक मूवी तीन बार देखी है हम लोगों ने। ए आ गया पीड़ा, कोयले डालो तोड़े। यार कोयले की तरह इतना तो बड़ा बड़ा बहुत बड़ा तोड़ यार, इस कोयले को ये देख इसको तोड़ इसके पीस कर रहा हूं तो ये मेरे पैर तोड़ एक बार ये कोयले तोड़ने के नए तरीके हैं, नीचे वालों ने ऊपर आ जाना उनके घर वालों ने कहना ये क्या कर रहे तोड़ दो। हाँ बस बेस्ट है बस मजीद ना तोड़ना, आग नहीं ऐसे करना ना, पहले कागज को दरमियान में रख दूँ, ये देख आग करना कागज को दरमियान रख, एक मिनट नीचे रखने पे छोड़ साइड पे जा, ये पेट्रोल डालूंगा अभी। क्यों भाई नहीं आ रहा? आ रहा है बस
मिट्टी का तेल आई है, पेट्रोल नहीं है मेरे पास। यार पहले बता दो, इतना बंदा आग लगाने लगा। ये देखो जो लोगों के पास हथियार मौजूद हो, यही काम होते हैं भाई। इन भाइयों के पास हथियार मौजूद है, देखो ये भाई हमारा लेकर आया। लेसन टू रिमेम्बर, शहरों के अंदर तो होगी है यार। सीन ये है, ये बारबी को लगना शुरू हो गया और इस बंदे ने ना जो सीखे पहले लगा ली हुई हैं, इस बंदे को ऐसे हम लेट हुए हैं। इस बंदे को ऐसे बंदा जो है ना स्पीकर जो है ना घर छोड़ के आया था, फिर हम गए हैं और स्पीकर लेकर आए हैं और फिर हम आए हैं। और मैं यार मम्मी डैडी बच्चे आए हुए हैं, ये जो है ना इनको घर से फोन आ रहा है, ठीक है जल्दी आओ बच्चे, ठीक है। लेकिन असल में घर में इनकी ज़रूरत नहीं है, गाड़ी की ज़रूरत है और गाड़ी लेकर आए हैं और घर वाले कह रहे हैं वापस आओ, मरो हमें गाड़ी दो, देखो और फिर दफा हो जाओ रोड पे। गजब बेइज्जती है। फरहान भाई जो है ना हमारे तिक्के लगा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक इसकी स्पेशल स्टोरी बताऊँगा। दिस इज़ यार ये कोई पेड प्रमोशन नहीं, लेकिन मैं फिर भी इसकी स्टोरी बताऊँगा। इस बंदे के घर हम लोग आए अफ्तारी पे, हैं राना साहब आए थे ना हम। इस बंदे ने हमें ये केचप सारी दूसरी जो है ना इसने हमें खुद जो है ना डाल के दी है, खुद जो है ना कहता डाल दो जितनी मर्जी। ये वाली जो है ना सॉस जो है ना बारबी की सॉस, इसने ये कितने की बताओ? 900 रुपए की, 900 रुपए की। यार मेरी औकात से बिल्कुल ज्यादा है, इसने थोड़ी थोड़ी करके ना डाली है ये भाई। 900 रुपए की मेरी सॉस है भाई, 900 रुपए की सॉस है। चल भाई ध्यान से टिक लगाओ। उसी दिन यूज हुई आज दोबारा हो रही। हाँ जी ये मेरे हाल से ना दोबारा उन्होंने शो के इसमें मेरे हाल से निशानी लगा के गया था मैं पिछली बार, इतनी होगी। हाँ ये वाकई भी इतनी ही है, पीछे जो है ना दूसरी है, मुझे तो शक है। ज्ञान शेयर करें, वही गोल्डन बर्ड्स, गोल्डन बर्ड्स यार यही है आजकल, हर बंदा काटता ही है और इनको संभाल के रखे अपने अंदर। लगता है आपको भी कटा है क्या? काटने के मूड में है क्या? काटने के मूड में है बस, देखिए क्या बंदा, देखते हैं काट जा यार। लाइक काटोगे तो कटेगा बस। मैं तो वही कह रहा ना यार, जब मेरा आ रही हो ना वो कसाई काट रहा था ना वो लेले में छुरी फेरा था, तो मुझे कुछ याद आ गया था कि ऐसे मेरा काटा गया था, तो लाइक कुछ ना कुछ याद आ जाता है। तो ये पीछे ना लाइक चल रहा है और ये सब बारबी को उतार रहे हैं, तो जाना करते हैं आप लोग सीन जो है देखो, कोई लिट पार्टी के आगे सीन होते हैं तो आपको सिनेमैटिक्स आपको दिखाते हैं, आपको जाके आप हैवी से ना सिनेमैटिक्स देखो। टोपी नहीं सुना करती सर्दी में, वैसे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? आप वैसे एक वैसे यार लाइक यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि एज अ फॉरेन कैंडिडेट के रशिया में एमबीबीएस करना चाहिए? व्हाट आर योर रिमार्क्स अबाउट दैट? कितनों के सपोर्ट है रशिया एमबीबीएस? बड़ा अच्छा हो रहा है आजकल, रशिया के चैनल में आगे बढ़। 2 hours later जरा शर्म नहीं आती लोगों के, खा खा गए। ये शेफ ने हमें नहीं पूछना, ये शेफ खुद ही लगाता है, खुद ही खाई जाता है। ये शेफ खुद ही खाई जा रहा है, हमें नहीं पूछ रहा, खुद ही टिक्के खाई जा रहा है। हमें कहता है टिक्के मजे के नहीं है, पर खुद खा के कहता है तो सही है ठीक है मजे के लिए, तुम लोग ना खाना। तो यार खा रहे हैं और बातें शातें चल रही हैं, तो इंशाल्लाह अब ये सीन है कि ब्लॉग इज़ अबाउट टू एंड और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। और जिस भाई के घर में भैया कुछ कहना चाहेंगे? ओ माय गॉड यार, इस भाई को सिर्फ एक चीज़ आती है, काइंडली प्लीज़ मैं ना भाई की आईडी नीचे मेंशन करूंगा इंस्टाग्राम पे, उधर जाके ना आपने सिर्फ वो ही ना ये इमोजीज भेजना है जो भाई इशारा कर रहे हैं, ठीक है? कौन से वाले इमोजीज प्लीज़ काइंडली बताएं। फरहान कौन से इमोजीज बताएं?
ये इमोजीज आपने काट लिया भाई की जो है ना भेजते हैं उधर हो गया बिल्कुल टिल देन ओके जी स्टे मस्त अल्लाह हाफिज और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में किसी और एक बात मैं कहना भूल गया जी जी बोले बात ना बोले असल में वो हम लोग हैं जो इसके बहुत बड़े फैंस हैं ये तो पीछे फैन लगा हुआ ना ये वाले फैंस हैं मैं और ये यार इन दोनों के बिगेस्ट फैन है ये फैन नहीं है ये छोटा है ये नहीं है ये बड़े फैन है ये बड़े पंखे ये वाले छत पे लगते हैं ये तो वैसे बैठे हैं ये लोग छत पे लगते हैं तो इन्हीं इन लोगों की वजह से यही लोग मेरे लिए मोटिवेशन देख रहे हैं गरीब चेहरे यही लोग मेरी मोटिवेशन है इन लोगों के घर चलते हैं तो इंशाल्लाह टिल देन अल्लाह हाफिज़ फिर मुलाकात होती है नए लोगों के साथ नए नमूनों के साथ टिल देन अल्लाह हाफिज़ बाय बाय और ये मेरे ना टिके आ गया आखिरकार शेफ को हमारे ऊपर रहम आ गया बाय बाय मैं टिके खा लूँ एक मिनट लाइक इन्हें मार नहीं है ठीक है तो मैं देख आता हूँ फिर इंसान ने क्लॉक लगा कर दिया बाय बाय यार ये बहुत बुरा हाल है हमारा गर्मी फुल हैवी इसमें और बस यार क्या करें फाइनली भी काम कर रहा है हमारे साथ तो बाकी इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं जी और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं किसी दिन प्यार